हमारा जो बुनियादी तौर पे मामला है वो मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये मामला शुरू हुआ है सियासत के घर से और अदालत के घर में लाया गया है सहूलत के लिए। खींच के लाया गया, बल्कि खींच जी के लाया गया अदालत में, क्यों? खेच के लाया गया, खेच के लाया गया। अब देखें ना, मसला मसला ये है कि ये दस्तूर में 73 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुतफिका और यूनानिमसली ड्राफ्टेड और एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें असेंबलियों को डिसॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है उसमें डिक्टेशन कहीं शामिल नहीं है कि पार्टी का लीडर ये कहेगा अपने सूबाई वज़राए आला को कि आप असेंबलियां डिसॉल्व कर दो और खुद अपनी असेंबली भी डिसॉल्व कर देगा। और इसको एक प्लॉय के तौर पर, यानी एक खेल के तौर पर, एक एक्सरसाइज के तौर पर इसको किया जाएगा। अब देखिए ना, अगर पंजाब की असेंबली पहले टूट जाती है, पंजाब 57% ऑफ पाकिस्तान, तो आप मुझे बताइए कि पूरा इलेक्शन कमीशन जितना मर्जी जोर लगा ले, क्या वो 57% पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन करवा सकेगा? क्या जो 4 महीने 5 महीने पहले असेंबली मार्ज वजूद में आ चुकी है, जो डेवलपमेंटल फंड्स उसके डिस्पोजल पे थे और उसको वो अनलीश कर चुकी है, तो क्या वो, क्या दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कौमी असेंबली के हल्के वाले को और सूबाई असेंबली के हल्के वाले को, एक जैसी मराहत और एक जैसा अदल और एक जैसा सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस अवेलेबल है? यकीनन इसका जवाब नफी में होगा।